मौजूदा अहिरवाल क्षेत्र में और अहिरवाल की सबसे चर्चित और सबसे जो है लोकप्रिय सीट अटेली, अटेली मंडी के नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े एक युवा चेहरे जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के ओबीसी मोर्चा के सदस्य हैं, इसके अलावा सरपंच रह चुके और सरपंच के साथ साथ जो है अटेली से सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं पूर्व में, और कहीं ना कहीं भाजपा से दावेदारी इनकी भी पक्की है, जबरदस्त तरीके से मेहनत में लगे हुए। कहीं ना कहीं जनता की अगर बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में एक समाज सेवी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे कुलदीप यादव खास बातचीत। राजनीति में आना क्यों जरूरी समझा? अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा पूरा जो है सेटल्ड परिवार, आपका पूरा धंधा जो है सेट है, उसके बाद राजनीति में बहुत कम लोग आते, लेकिन आपको क्यों लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए और फिर अटेली से ही आना चाहिए, इसके पीछे का कारण? इच्छा की बात है तो ये सब मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और किसी ना किसी को तो राजनीति में आना पड़ेगा। जब मैंने अपने आप को पहचाना, जब मैंने दूसरे नेताओं को देखा, उनके बारे में मैंने विश्लेषण किया, उनके बारे में मैंने सोचा, उनके कामों को मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे उपयुक्त, मैं उन अपने आप को दावेदारी के रूप में अच्छा समझता हूँ। अटेली की आज जो दिशा और दशा जो आप देख रहे हैं, उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे और उसको अच्छा हम कैसे करें, ये हमारे सपने हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। क्या उद्देश्य आपका है अटेली के लिए? हमारी जो बात अटेली की काम, जो हमारी जो भाजपा की नीति और नीयत वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हरिवाल में आपने देखा होगा जल से नल, हर घर में जल, आपने देखा होगा रोड की कनेक्टिविटी, आपने देखा होगा लाइट की व्यवस्था, आपने देखा होगा गांव में कैसे पेयजल की व्यवस्था हुई है, आपने देखा होगा कैसे यहाँ युवाओं के साथ जो पहले कैसे छल होते थे, आज नौकरियों में जैसे पारदर्शिता हुई है, ये सब भाजपा में संभव है। मैं बात करूं अटेली की, हमें अटेली के अपने सपने हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं उनके तहत हम काम करेंगे। मेरी क्षमता है चंडीगढ़ तक पहुंचने की, बार बार हम पहुंचेंगे, चंडीगढ़ तक अपनी बात लेके जाएंगे। जनता को मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं युवा हूं, मैं अपने अंदर की भावनाएं उनको यही बताता हूं, उनके मान और सम्मान की मैं हमेशा बात करूंगा, उनके मान और सम्मान को ऊंचा लेके चलूंगा। आप राजनीति में नए हैं और कहीं ना कहीं ऊपर की राजनीति की बात की जाए तो इसमें तो आपने अभी शुरुआत की है, लेकिन आपके सामने घाक लोग हैं जी, जो हर तरीके से राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, यानी कि साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति को अपने अपने अनुसार समय के अनुसार आजमाते भी हैं, उन लोगों से कैसे टक्कर लोगे? सबसे बड़ी बात ये, बड़े जो है दावेदार हैं और जब जो जो चुनावी समय नजदीक आता है तो ये जो लिस्ट है ये फेरिस्त बढ़ती जाती है, तो क्या लगता है टिकट लाना आपको लगता है कि आसान रहने वाला है? उसके लिए भी जबरदस्त मारामारी होगी। ये बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसमें आपको आपकी विचारधारा क्या है, आपका जन्म से लेकर आज तक का विषय क्या रहा है, उस विचारधारा से टिकट का प्लेटफॉर्म बनता है। यहाँ आपके काम की पहचान है और वो हमने काम किया है, उसके हिसाब से मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अपनी विचार रखने की बात कहता हूँ। वो पार्टी का फैसला रहेगा, वो टिकट पार्टी देगी, हमने अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा के 10 साल बड़े ही जो है एक तरीके से कहें तो अटेली को पीछे धकाने वाले रहे, उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार हम भाजपा को उखाड़ फेंकें, आपको क्या लगता है? ये मैंने आपको बताया 2024 का लोकसभा का जो चुनाव आपने देखा, आप अंदर तक विश्लेषण करते हैं, आप गांव-गांव जाकर ढाणी-ढाणी जाकर विश्लेषण करते हैं, आपका सर्वे चलता है, आपने देखा आम जन का विश्वास, आम जन का मन वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। क्या वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है, बड़े हमारे लाइजन है, ऊपर तक हाथ है और हम जो है टिकट लेके आ जाएंगे, तो क्या लगता है टिकट ऐसे ही मिल जाएगी? कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो चुनाव के वातावरण में आते हैं, जैसे अपन बात करें बरसात में मेंढक निकलता है और वो हाँ बाद में 2 महीने बाद में छुप जाते हैं, वो धरती में चले जाते हैं। हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। बात रही पैसे की, मैंने आपको पहले ही बताया भारतीय जनता पार्टी में पैसे का कहीं भी काम नहीं है, यहाँ आपने काम की पहचान, काम के क्षेत्र की पहचान, वो यहाँ विषय है। नमस्कार, स्वागत है आपका रैना न्यूज 24 पर, मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद आज अहिरवाल क्षेत्र में और अहिरवाल की सबसे चर्चित और सबसे जो है लोकप्रिय सीट अटेली, अटेली मंडी के नाम से जानते हैं, और क्योंकि
हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, एक के बाद एक जो है सभी पार्टियों से दावेदारियां सामने आ रही हैं। ऐसे में अटेली मंडी से आज हमारे साथ खास बातचीत में जुड़े एक युवा चेहरे जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के ओबीसी मोर्चा के सदस्य हैं, इसके अलावा सरपंच रह चुके और सरपंच के साथ साथ जो है अटेली से सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी रह चुके हैं पूर्व में। खास बातचीत करेंगे राजनीति में आना क्यों जो इनको जरूरी लगा, क्यों इनको जो है उचित लगा कि हमें अब राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, और कहीं ना कहीं भाजपा से दावेदारी इनकी भी पक्की है, जबरदस्त तरीके से मेहनत में लगे, और कहीं ना कहीं जनता की अगर बात की जाए तो पूरे क्षेत्र में एक समाज सेवी के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे। कुलदीप यादव खास बातचीत में। यादव साहब बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज 24। प्रिंस भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे अटेली हरिवाल क्षेत्र में आप पहुंचे, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। जी यादव साहब, सबसे पहला सवाल, राजनीति में आना क्यों जरूरी समझा? अच्छा खासा बिजनेस है, अच्छा पूरा जो है सेटल्ड परिवार आपका, पूरा धंधा जो है सेट है, उसके बाद राजनीति में बहुत कम लोग आते, लेकिन आपको क्यों लगा कि हमें राजनीति में आना चाहिए और फिर अटेली से ही आना चाहिए, इसके पीछे का कारण क्या? जी प्रिंस भाई बहुत अच्छा सवाल आपका। हम युवा हैं और इस देश को 2047 तक विकसित भारत का, विकसित भारत हमारा हो, ऐसा हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। वो विकसित भारत हमारा कैसे हो, उसमें आप हमारे युवा, हम सब साथियों का सहयोग हो, और हम जब युवा आह्वान करता है तो क्रांति बनती है, और विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित भारत का सपना शिक्षा से, युवा से, जो सब बातें हैं वो हमारे दिल में संजोग के हमने रखी है, उसके बारे में हम काम करेंगे, उसके लिए हम काम करेंगे। मैं अटेली क्षेत्र, मेरा गाँव है, मेरा समाज है यहाँ, मैं बोचड़िया गाँव, अटेली से मात्र 6 किलोमीटर बोचड़िया गाँव है। मैं 2016 से 2021 तक बोचड़िया गाँव का सरपंच रहा, मेरी जनता जनार्दन, मेरे पिता तुल्य वहाँ बुजुर्ग, और ये पूरे क्षेत्र में पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी माताएं बहना है। मैं जो भी यहाँ धर्म जागरण के, जो समाज के जो काम होते हैं, जैसा मेरे को मौका मिलता है मैं जाने की, उनके बीच में पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और ये सब आपका प्यार है। और बाकी रहा 2016 से जो 21 में मैं जब सरपंच रहा, वो एक सामाजिक पद होता है सरपंच का। अब मैं 2005 से मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं क्रेशर माइंस का काम है मेरा, राजस्थान में सारा सेटल है, और इच्छा की बात है तो ये सब मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर, और किसी ना किसी को तो राजनीति में आना पड़ेगा। जब मैंने अपने आप को पहचाना, जब मैंने दूसरे नेताओं को देखा, उनके बारे में मैंने विश्लेषण किया, उनके बारे में मैंने सोचा, उनके कामों को मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं मैंने उनसे उपयुक्त, मैं अपने आप को दावेदारी के रूप में अच्छा समझता हूँ, और मेरा भी विचार आया मैं राजनीतिक में अपने क्षेत्र की जनता के लिए, मैं अटेली मेरी प्रिय, मेरा गाँव है जहाँ, और ये अटेली एक बहुत ही पुराना, जब आप पेप्सू के समय की जब बात करेंगे उस समय से अटेली का नाम है, और अटेली की आज जो दिशा और दशा जो आप देख रहे हैं उसको हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे, और उसको अच्छा हम कैसे करें ये हमारे सपने हैं, उन सपनों को हम पूरा करेंगे। जी प्रिंस भाई, तो कुलदीप यादव से खास बातचीत का एक मकसद ये भी रहा, क्योंकि जब अटेली में आते हैं तो चर्चा बहुत सुनते हैं कि एक समाज सेवी है जो जबरदस्त भूमिका निभा रहा है, तो अब चर्चा हो रही है तो ऐसे में बात करना लाजमी है, क्योंकि जिस व्यक्ति के चर्चे हैं तो ऐसे में अगर उस व्यक्ति को हमने बिना बातचीत के छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ भी नाइंसाफी होगी, क्योंकि जनता भी चाहती है कि उस आदमी के हम विचार सुने कि वो कहना क्या चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, वो करना क्या चाहता है, किस मोटिव के साथ वो राजनीति में आया है, और कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं तो ऐसे में विजन जरूर होगा, क्या उद्देश्य आपका है अटेली के लिए? प्रिंस भाई मैंने 2000 में आदर्श स्कूल से मैंने मेरी मैट्रिक परीक्षा की, आदर्श स्कूल हमारा संघ परिवार का विचारधारा से काम किया, और मैंने उस टाइम ही ध्वज प्रणाम किया, विचारधाराओं को अपने अंदर उतारा, और मैं 2018 में प्राथमिक वर्ग मैंने किया, और हमारी विचारधारा राष्ट्र की विचारधारा है, हम राष्ट्र के लिए काम करने में विश्वास रखते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी भूमिका हमारी भूमिका कहीं जो सोच है वो एक हो जाती है, और राजनीतिक में आकर ही जो काम हो सकते हैं वो राजनीति में आके हो सकते हैं। हमारी जो बात अटेली की, अटेली की काम जो हमारी जो भाजपा की नीति और नीयत वो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने हरिवाल में आपने देखा होगा जल से नल, जल से नल, हर घर में नल, हर घर में जल, आपने देखा होगा रोड की कनेक्टिविटी, आपने देखा होगा लाइट की व्यवस्था, आपने देखा होगा गांव में कैसे पेयजल की व्यवस्था हुई है, आपने देखा होगा कैसे यहाँ युवाओं के साथ जो पहले कैसे छल होते थे आज नौकरियों में जैसे पारदर्शिता हुई है, ये सब भाजपा में संभव है। यहाँ आज
कोई इसमें खास की बात नहीं है। आपने छत्तीसगढ़ में देखा होगा, आपने एमपी में देखा, आपने राजस्थान में देखा। आज आप हम दूर की बात ना करें, आज हम हरियाणा के नायक नायब जी की हम बात करें, वो भी आप और हम में है। और जब वो विचारधारा, आप ये ना समझें, मैं ये ना समझूं, खास में कोई ऐसे विशेष गुण नहीं होते और कोई वो उसका कोई विशेष कोई रहन सहन की बात नहीं होती, जो एक आम गरीब में, एक आम जन में और एक आम गरीब के बेटे में जो विचार हो सकते हैं वो कहीं दूसरे में भी नहीं हो सकते। गरीब की जो भावनाएं होती हैं, उसने जो अपना परिवार, उसने जो अपना शरीर, आपने जो जीवन के जो अनुभव है, उसकी एक आदर आदर आगे की कोई अलग रणनीति होती है। उसके साथ कैसे शोषण हुआ, कैसे उसने अपने जीवन में पढ़ाई को आगे बढ़ाया, कैसे उसने अपने गांव में जो समस्याएं थी उनको कैसे देखा। अब मैं बात करूं अटेली की, हमें अटेली के अपने सपने हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं उनके तहत हम काम करेंगे। मेरी क्षमता है चंडीगढ़ तक पहुंचने की, बार बार हम पहुंचेंगे चंडीगढ़ तक, अपनी बात लेके जाएंगे। अटेली के लिए आज बात करते हैं लोग, ये बातें पुरानी हो चुकी। हम मैं बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, मैं रोजगार ले दूंगा, मैं यहाँ सड़क बना दूंगा, मैं यहाँ कॉलेज बना दूंगा, मैं शिक्षा ला दूंगा, ये सब राजनीतिक स्टंट हो चुके। अब जनता सब जानती है, जनता ये सब बातें पुरानी हो चुकी, आम बात हो चुकी। आज जनता प्लेटफार्म एक कैसा हो, वो टेक्निक के हिसाब से कैसे नीतियां हो और वो आम जन तक कैसे काम करें, आम जन तक की कैसी समस्याओं हो, कैसे एक प्लेटफार्म पे आए, हम एक अच्छा एक प्लेटफार्म बनाएंगे। मेरे साथ युवा साथी है, मैं हमेशा साथियों के साथ रहा हूं, आज वो चाहे बजरंग दल के साथी हो, विश्व हिंदू परिषद के साथी हो, चाहे मेरे आम जन के मेरे साथी हो, हमें पता है कहां कहां हमारे साथ समस्या आई है, कहां हमारी समस्याओं को सुना नहीं जाता। तो ये सब बातें मैं मेरे दिल में संजो के मैंने रखी है। आज हम अपना एक प्लेटफार्म तैयार करेंगे, गांव गांव तक हमारे साथ में हमारी टीम है, गांव हर गांव में हमारी टीम है, वहां कैसे समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हमारे पास कैसे हम सरकार तक लेके जाएंगे। सरकार हमारी समस्याओं को निदान करने के लिए बैठी है, सरकार के पास कोई कमी नहीं है, अच्छा शासन है, अच्छा प्रशासन है, बस कमी है तो हम उस प्लेटफार्म तक अपनी समस्या कैसे ले जाए वो कमी है। हमने ये विचार कर रखा है, यहाँ कैसे कैसे हर महीने एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग के क्या क्या एजेंडे होंगे, वो मीटिंग कैसे कैसे गांव से शहर तक पहुंचेगी, ये सब हमारे बातें हैं, ये विचार है। और जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं युवा हूँ, मैं अपने अंदर की भावनाएं उनको यही बताता हूँ, उनके मान और सम्मान की मैं हमेशा बात करूंगा, उनके मान और सम्मान को ऊंचा लेके चलूंगा। आज मैं 2016 से 21 तक मैंने समाज में काम किया, मेरे बोचड़िए गाँव में मैंने समाज में रहकर मैंने काम किया। कोई ये नहीं कह सकता भाई कुलदीप वहां गलत था, अगर मेरी आपको बढ़ाई की बात नहीं मिलेगी तो बुराई की बात भी नहीं मिलेगी। जी प्रिंस भाई, कुलदीप भाई सरपंच रह चुके, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रह चुके, यानी कि एक तो पहली बात ये समझ में आती है कि नेतृत्व आपने शुरुआत से किया, लेकिन दूसरी बात है सरपंच में और विधायक में बड़ा फर्क होता है। आप राजनीति में नए हैं और कहीं ना कहीं ऊपर की राजनीति की बात की जाए तो इसमें तो आपने अभी शुरुआत की है, लेकिन आपके सामने घाक लोग हैं जो हर तरीके से राजनीति को समझते हैं, परखते हैं, जानते हैं, यानी कि साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति को अपने अपने अनुसार समय के अनुसार आजमाते भी हैं, उन लोगों से कैसे टक्कर लोगे, सबसे बड़ी बात ये है। प्रिंस भाई आपको मैंने पहले ही बताया, ये हमारा जो राष्ट्रीय जो पार्टी है ये संगठन की पार्टी है, ये कोई धन बल की पार्टी नहीं है, इसमें काम की पहचान की बात है। आपने मैंने आपको बताया कहाँ विष्णु, कहाँ भजन, कहाँ मोहन, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव है। यहाँ धन बल का कोई काम नहीं, यहाँ संगठन की बातें हैं, काम की बातें हैं, काम का आदर्श बोलता है, काम की बातें विचार होते हैं, काम पे पहचान होती है। मैं आपने कहा भी यहाँ मैंने एक अभी राजनीतिक जो सरपंच की है वो छोटी राजनीतिक नहीं होती, सरपंच की राजनीतिक में देश की बातें आती हैं, सरपंच की राजनीतिक में देश कैसे चले वो बातें गांव में रहती हैं। जब गांव हमारा आदर्श बनेगा, जब गांव हमारा विकसित बनेगा तो राष्ट्र विकसित बनेगा। जो गांव की समस्याएं वो शहर में पहुंचती हैं, शहर की समस्याएं वो राष्ट्र में पहुंचती हैं, और उन समस्याओं को हम लेके एक अच्छे प्लेटफार्म बैठेंगे। रही बात आपने टिकट की बात कही, दूसरी बात आपने बहुत बड़े घाक बैठे हैं ऐसा विचार कुछ राजनीतिक, ये हमारी पार्टी में ऐसा विचार कुछ नहीं है, यहाँ कोई बड़े घाक नहीं है, पक्ष की बात नहीं, विपक्ष में भी घाक लोग बैठे हैं, वो उनके विचार है, ऐसा कुछ नहीं है, उनके विचार है, यहाँ काम करने की पहचान है। हमारा जो संगठन है बीजेपी का जो संगठन है वो समस्या के कैसा समाधान हो उस विचारधारा से बात हम करते हैं। आज आपने लोकसभा का 2024 का चुनाव देखा, कैसे कैसे ये सारे
विपक्ष वाले एक जगह होकर कैसे हम आपको गुमराह किया, आम लोगों को गुमराह किया, उसके बाद भी ऐसा कोई आपने देखा रिजल्ट नहीं निकाल पाए, तो ये दूसरे जो पक्ष हैं इनसे कोई आप लोगों को और हम लोगों को और ये मेरी आम जन को कोई बहकने की और दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सब हम समझते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, आज हम उस भारत में हैं जो हम अगले को समझा सकते हैं और समझ भी सकते हैं। आपने टिकट की बात की, टिकट का ही जिक्र कर लेते हैं पहले। बड़े जो है दावेदार हैं और जब जो जो चुनावी समय नजदीक आता है त्यों ये जो लिस्ट है ये फेरिस्त है बढ़ती जाती है सर, तो क्या लगता है टिकट लाना आपको लगता है कि आसान रहने वाला है? उसके लिए भी जबरदस्त मारामारी होगी और भी पुराने नेता भी हैं, हालिया विधायक भी हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं फिर विधायक बनूं, मैं फिर चुनाव लड़ूं, तो कहीं ना कहीं टिकट का किस तरीके से क्या देखते हैं कि आप अपने आप को कहां खड़ा पाते हैं इस लिस्ट में? प्रिंस भाई, यहाँ टिकट के लिए आपको ऐसा नहीं कोई एक नया प्लेटफार्म बनाना पड़ता है, टिकट के लिए यहाँ ऐसा कोई विषय नहीं है भी आपको उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। ये बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, इसमें आपको आपकी विचारधारा क्या है, आपका जन्म से लेकर आज तक का विषय क्या रहा है, उस विचारधारा से टिकट का प्लेटफार्म बनता है। यहाँ कोई आपको अलग से कोई एक प्लेटफार्म नहीं बनाना पड़ता भी, आपको संख्या दिखानी है, आपको धन दिखाना है, आपको कहीं बड़ी जगह जाकर एक प्लेटफार्म दिखाना है, यहाँ ऐसा विषय नहीं है। यहाँ आपके काम की पहचान है और वो हमने काम किया है, उसके हिसाब से मैं पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से अपनी विचार रखने की बात कहता हूँ। वो पार्टी का फैसला रहेगा, वो टिकट पार्टी देगी, हमने अपना काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। पार्टी की जो नीतियां हैं, मैं आज जनसंपर्क करके गांव-गांव जाके अपने परिवारजनों के पास आकर वो अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बता रहा हूं और ये हम सबका विषय है। गांव-गांव जा रहे, जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं जी, क्या कहती है जनता, अटेली की जनता क्या बोल रही है जी? अगर कुलदीप यादव को टिकट मिलती है तो क्या रहेगा, क्या जो जनता के विचार है? जनता के विचार है, जनता भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसको विश्वास रखती है और तीसरी बार हरियाणा में भाजपा को देखना पसंद करती है। यहाँ भाजपा की नीतियों से सब संतुष्ट हैं और जनता का प्यार है। आज मैं जनता के पास जा रहा हूं तो जनता ने मुझे मजबूत किया है, मेरे आमजनों ने मजबूत किया है, मेरे दोस्तों ने मजबूत किया है, मेरे अपनों ने मजबूत किया है। मेरा पूर्ण विश्वास है वो मेरे साथ रहेंगे और पार्टी की नीतियों को आगे लेकर हम सब काम करेंगे। अटेली के पूरे क्षेत्र में घूमते हैं जी, पिछले अपने सरकार के 10 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं और उससे पहले की अगर सरकारों से तुलना की जाए तो कितना फर्क आपको देखने को मिलता है इन 10 सालों में? 2014 के बाद की हम भारत की बात करते हैं, 2014 के बाद के हरियाणा की हम बात करते हैं, तो कैसे कैसे हमने इस विकास को देखा। आज 2014 की हम जो बात करते थे, जब रेवाड़ी महेंद्रगढ़ रोडों की बात करते थे, रेवाड़ी जब नारनूर रोडों की हम बात करते थे, आप जब हम पढ़ाई करते थे तो कैसे कैसे यातायात की सुविधाओं का अभाव था वो सब हमको देखने को मिलता है। कैसे यहाँ स्वास्थ्य की बातें थी, कैसे यहाँ जल की योजनाएं थी उसकी कैसे कमियां थी, यहाँ कैसे टैल तक की पानी की जो नहरों के जो जाल बिछाया गया था उस पर क्या व्यवस्थाएं थी। आज जब हम जब 2024 के जब हरियाणा की बात करते हैं, जब 2024 के जब भारत की बात करते हैं, आज मेरे गांव की मैं बात करता हूं, आज जब अटेली क्षेत्र की जब हम बात करते हैं और अटेली क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो यहाँ कैसा विषय हमें देखने को मिलता है। आज जब मैं यहाँ बात करता हूँ, आज अनाज मंडी, हम यहाँ अटेली अनाज मंडी में बैठे हैं, यहाँ कैसे किसानों को सुविधाएं मिलती हैं। आज मैं बात करता हूँ नेशनल हाईवे की, तो हमें आपको कैसे सुविधाएं मिलती है, ये आप रोज आज समाज में जाते हो, आप बड़ा ही समाज के अंदर रह के काम करते हो, आप आज राष्ट्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप काम कर रहे हो, ये आम जनता जानती है। आज जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हमने जीता वो पार्टी की नीतियों के अनुसार जीता, पार्टी के कार्यकर्ता के बल पर जीता। यहाँ कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को पसंद करता है, यहाँ बड़े नेता की या बड़े कोई बड़े ऐसे लीडर के प्रभाव में कोई बात नहीं थी, सिर्फ नीतियों से आमजन जुड़कर और 2024 का जो लोकसभा चुनाव में जो देखने को आपको मिला है वो सब पार्टियों की नीतियों का और 2014 से 2024 तक की जो हम बात कर रहे हैं उसके विकास के विश्वास का जो रिजल्ट है। जी जी, तो मेरे साथ कुलदीप यादव खास बातचीत में, युवा चेहरे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी से पक्की दावेदारी ठोक चुके हैं, चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए, जनसंपर्क चल रहा है पूरे अटेली क्षेत्र में, जा रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राय तक ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूर्व में सरपंच रहे हैं तो जमीनी हकीकत से रूबरू है, जमीनी राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये बात तो कही जा सकती है। इसके अलावा इनका स्पष्ट कहना है कि दावेदार बेशक बहुत हों लेकिन पार्टी को जिस व्यक्ति की जिस जो है
दावेदार की, जिस कैंडिडेट की विचारधारा अच्छी लगेगी पार्टी उसको मौका देगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। सुनने में आया है कि पारिवारिक तौर पर भाजपा ही है, आप शुरुआत से ही भाजपा से जुड़े हुए हैं। हाँ प्रिंस भाई, मैंने बताया विचारधारा संघ की है हमारी, और विचारधारा शुरू से मैंने तो मेरा वोट डाला है, तो मैं बीजेपी को डालते आया हूँ, और हमने डाला नहीं डलवाया वोट। आज मेरे 2024 का रिजल्ट देखे, 2019 का रिजल्ट देखे, 2014 का रिजल्ट देखे, मेरा गांव सारा बीजेपी के पक्ष में रहा है, और गांव ही नहीं अब तो सारा यहाँ का इलाका है, आपने रिजल्ट देखा है, वो सब बीजेपी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जब मैं बात करूँ समाज की, आपने बात बताया जो हमने जो काम किया, जब मैं सरपंच था और मैं 2016 से 21 तक सरपंच रहा, तो एसोसिएशन का मैं सरपंच, एसोसिएशन अटेली खंड का मैं प्रधान रहा, मैं सब मेरे सरपंच साथियों में जब मैं बैठता था तो सरपंचों की समस्याएं आती थी, लेकिन ये जो हमारी जो नीतियां रही पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने सरपंचों को पूरी गांव के हित में अच्छी गारंटी दी, अच्छा हमने काम किया। आज मैं मेरे गांव की मैं बात करूं, मैंने 16 और 21 में पार्टी का ही काम था, वो पार्टी की नीतियां थी, मैंने कोई पैसा घर से नहीं लगाया, लेकिन गांव में आप मेरे गांव में आना, आपको अच्छी वहां कैसे कैसे पार्टी ने, कैसे कैसे भारत सरकार ने, कैसे कैसे हरियाणा सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी। आज मेरे गांव में सारे तो लिंक रास्ते हैं, वो पक्के हैं, आप पानी की व्यवस्था देखेंगे पूरे गांव में, DI पानी की व्यवस्था है, बूस्टिंग स्टेशन है, खेल स्टेडियम है, मिनी सेक्रेट है, पशु अस्पताल है, ये सब पार्टी की नीतियां के तहत काम हुए हैं। ये 2014 से 2024 की हरियाणा की जो बातें हम करते हैं उसके विकास में ये जो काम हुए हैं। जी प्रिंस भाई, विपक्ष की भी बात की जाए जी, क्योंकि राजनीति में सक्रिय हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों तरीके की चर्चा होनी जरूरी है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि भाजपा के 10 साल बड़े ही जो है एक तरीके से कहें तो अटेली को पीछे धकाने वाले रहे हैं। हमारी चर्चा हो रही थी एक दो रोज पहले भी, आपकी पूर्व विधायिका है अनिता यादव, उनसे भी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना था, उनका स्पष्ट कहना है कि इस बार हम भाजपा को उखाड़ फेंकें। आपको क्या लगता है, अटेली की जनता का मन आप टटोल रहे हैं, अटेली की जनता की नब्ज आप टटोल रहे हैं, तो क्या महसूस हो रहा है, क्या पता चल रहा है? प्रिंस भाई, ये मैंने आपको बताया 2024 का लोकसभा का जो चुनाव आपने देखा, आप अंदर तक विश्लेषण करते हैं, आप गांव गांव जाकर ढाणी ढाणी जाकर विश्लेषण करते हैं, आपका सर्वे चलता है, आपने देखा आम जन का विश्वास, आम जन का मन, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन 19 के मुकाबले 5 सीटें आपने खो दी, वो ये आप भारतीय जनता पार्टी का आपने वोटिंग परसेंट देखा, वो ऐसा वोटिंग परसेंट हमारी बढ़ी है, लेकिन किसी ना किसी तरह से गुमराह किया गया इन्होंने, विपक्ष वालों ने संविधान को खतरे में बताया गया, जबकि आपने देखा आज हमने 25 तारीख को कैसे कैसे यहां पर जो हमने पीड़ाएं 1975 में आपातकालीन के जब भारत में ये आपातकालीन घोषित हुआ उस टाइम कैसे कैसे हमने यात्राएं झेली, वो सब देखो आप, उस टाइम संविधान के बारे में आज ये बात करते हैं, संविधान की आपने देखा कैसे कैसे इन्होंने अवहेलनाएं की, तो ये इन्होंने बहकाया आम जनता को, बहकाया खटाखट खटाखट खटाखट, एक लाख, तो ये सब आम जनता को इन्होंने गुमराह किया, आम जनता को पहचान आई है, आम जनता को देखा इन्होंने क्या क्या बातें हैं। अब ये आप 2024 के हरियाणा विधानसभा के जब चुनाव की बातें आप जब देखेंगे तो आपको अलग मैटर मिलेगा, और हमने 24 विधानसभा पर अभी भी हमने जीत हासिल की है जी। अब बड़ी बात की जाए अहिरवाल क्षेत्र की जी, अटेली क्षेत्र की, कहते कि यहाँ पर पहली बात तो राव साहब का बड़ा जो है अलग से एक रुतबा है, उनका सिक्का चलता है, इस बात में कितनी सच्चाई माने? राव साहब हमारे यहाँ आदरणीय, बहुत ही अच्छे राजनेता हैं, और वो पार्टी के साथ में अच्छी विचारधारा के साथ, हम राव साहब के और साथ में सब पार्टी साथ में, पार्टी राव साहब पार्टी के साथ में, नीतियों के साथ में आगे हम विकास सब साथ में, उसमें सपने सजोक के आगे देश को कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे हम सब काम कर रहे हैं। राव साहब अच्छे लीडर हैं, ईमानदार हैं, और बड़ी अच्छी छवि के हैं, बोलने में विश्वास रखते हैं, जो बोलते हैं वो अच्छा बोलने का एक अपने आप को कोई हिचक नहीं रखते, तो अच्छे नेता हैं। जहां तक जानकारी मिली आपका भी बड़ा जो है करीबी संबंध, काफी निजी संबंध राव साहब से? राव साहब का सारा हिरवाल अच्छा है, राव साहब सबके चाहते हैं, वो अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। तो क्या मान के चले कुलदीप यादव कहीं ना कहीं रास्ता पक्का कर चुके हैं टिकट का? मैंने आपको पहले ही बताया ये भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो उनकी विचारधारा है, वो आमजन के साथ में है, और जब आमजन कहेगा तो भारतीय जनता पार्टी उस पर विचार करती है, और हमने काम किया है,
पार्टी उसके बारे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है हमें। जाहिर सी बात है, पार्टी सर्वे करवाती है, सर्वे में अगर जिस भी दावेदार का नाम टॉप पे बनता है तो ऐसे में पार्टी उसी पर दाव लगाएगी। और कहीं ना कहीं हरियाणा के राजनीतिक हालातों की बात की जाए तो आज के दिन ये तो कन्फर्म है कि बीजेपी जो है हर तरीके से चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेकर लड़ने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। तो ऐसे में कैंडिडेट भी ऐसे चाहिए जो पार्टी को जिता सकते हो। हालांकि पार्टी का कैंडिडेट जो है वो तभी जिताऊ बन पाएगा जब जो है जनता के अनुरूप टिकट वितरण किया जाएगा। तो ऐसे में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से बातचीत निकल के आती है, हम भी अटेली में घूमते हैं, नाम आपका चल रहा है सबकी जुबान पर। अब ये पता नहीं आपने जादू क्या किया है, इतने थोड़े समय में, कम समय के अंदर किस तरीके से जो आपने पूरी अटेली क्षेत्र में खलबली सी मचा रखी है। प्रिंस भाई, ऐसा नहीं है, जादू नहीं है। हम जो काम करते हैं, हमारा जो संगठन काम करता है, वो एक बिना शोर शराबे काम करते हैं हम। और पार्टी का नीतियां, पार्टी की विचारधारा, उसको लेकर तो बातें होती हैं, लेकिन जो समाज में, जो नीचे तबके में, जो गरीब में, शोषित में, पिछड़े में जो बातें होती हैं, उस पर हम काम करते हैं। उस पर वो कैमरे पे नहीं आ पाती। और ये थोड़े समय का काम नहीं है। मैंने 2000 में आदर्श स्कूल से, मैंने जब मैं पास आउट हुआ मैट्रिक से, और मैं 2004 में व्यापार में आ गया था, तो व्यापार में हम बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और मैं उस समय से समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 2016-21 से, आपको मैंने बताया, मैं सरपंच रहा, उससे पहले मैं बजरंग दल से में रहा। और जो जो समस्याएं रहती हैं, जो जो बातें रहती हैं, आमजन के साथ रहे हम। अचानक ऐसा ये कार्यक्रम नहीं रहा, अभी लोकसभा से ही मैं सक्रिय रहा और मैंने पिछले 2.5-3 महीने से काम किया, ऐसा नहीं है। और बाकी जनता है, जनता जनार्दन है, अपने हैं, अपने साथी हैं, अपने पूजनीय है, वंदनीय है, और हम सब प्रेम करते हैं आपस में एक दूसरे से। तो जनता की आवाज़ है, वह आपने सर्वे आपने देखे भी हैं, पार्टी के हमारे भी सर्वे चलते हैं, वो जनता का आशीर्वाद है। तो ये तो सब क्या मान के चले, 2014 में जिस तरीके से अलग विधायक था अटेली से, 19 में बदल के नया कैंडिडेट आया, तो अब 24 में क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, इस बार भी बदलाव होना निश्चित है? ये जनता है, और भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है, आम जन की आवाज़ को सुनती है। भारतीय जनता पार्टी आम जन की आवाज़ सुन रही है। और आप बहुत ही अंदर तक की बातें जानते हो, आप देखते भी हो, समाज की बातें सुनते हो, क्षेत्र की बातें सुनते हो, आपको भली भांति पता है जनता की क्या चाहत है, जनता किसको पसंद करती है। ये एक सबसे जरूरी सवाल आपसे, पिछले बार हमने देखा बड़े जो है पैसे वाले लोग, बड़े नामचीन लोग चुनाव के अंदर आए, लेकिन चुनाव के बाद वो गायब नजर आए, टेली में कभी नजर नहीं आए, चुनाव के समय जरूर वो जनता के बीच दिखे। अब क्या लगता है, क्या वो लोग जो कहते कि हमारे पास बड़ा पैसा है, बड़ा नाम है, बड़े हमारे लाइजन है, ऊपर तक हाथ हैं, और हम जो है टिकट लेके आ जाएंगे, तो क्या लगता है टिकट ऐसे ही मिल जाएगी या फिर कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? प्रिंस भाई, ये तो कुछ लोगों की सेवा का भाव होता है, कुछ टाइम के लिए आते हैं, वो चुनाव के वातावरण में आते हैं। जैसे अपन बात करें, बरसात में मेंढक निकलता है और वो हाँ बाद में 2 महीने बाद में छुप जाते हैं, वो धरती में चले जाते हैं। हमारी ऐसी विचारधारा नहीं है। मैं गांव है मेरा, मैं गांव में रहता हूँ और गांव के टच में रह के हमने काम किया है। बात रही पैसे की, मैंने आपको पहले ही बताया, भारतीय जनता पार्टी में पैसे का कहीं भी काम नहीं है। यहाँ आपने काम की पहचान, काम के क्षेत्र की पहचान, वो यहाँ विषय है। पैसे यहाँ जरूरत है ही नहीं संगठन में। ये सब झूठी बातें, ये लोग बातों को लेके चलते हैं, बाकी वो जहाँ जाते हैं, जहाँ पहचानते हैं, वहाँ ऐसा काम ही नहीं है। तो वो संगठन के साथ में है ही नहीं। यहाँ संगठन में कहीं पैसे की कोई भूमिका नहीं है। यहाँ आमजन की बात है, आमजन पे विश्वास है। अगर आपने काम किया है तो आपका नाम आएगा जी। तो क्या मान के चले, जो लोग मन में भ्रम पाले बैठे हैं, जो लोग वहम में जी रहे हैं कि हमारे पास बड़ा पैसा है, बड़े लाइजन है, खरीद लेंगे टिकट को, ले आएंगे किसी न किसी तरीके से, उनको क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे संगठन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां टिकटें खरीदी जाती हैं। यहाँ काम की पहचान है, आमजन के साथ की पहचान है, आमजन के साथ के आपके रिश्ते हैं उनकी पहचान है। तो वहम नहीं रखना चाहिए उन लोगों? नहीं, ऐसा नहीं है, वो विचारधारा से नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से नहीं है। यहाँ पैसे वालों की, हमारे को पैसे की जरूरत नहीं है, हम आम आदमी है, आम जन है हमारी विचारधारा। हम तो पैदल घूमकर वहां प्रवास पे रहकर गांव गांव में काम करते हैं, नीतियों का प्रचार करते हैं, उन नीतियों पे कैसे काम हो उनकी बातें करते हैं, तो पैसे की जरूरत नहीं है जी। तो कुलदीप यादव जी खास बातचीत में, और कहीं ना कहीं संगठन के व्यक्ति हैं,
संघ से भी जुड़े हुए हैं लंबे समय से, पारिवारिक तौर पर जो भाजपाई हैं, तो ऐसे में पहली बात तो इनका धड़ा यही मजबूत होता हो जाता है, क्योंकि लंबे अरसे से चाहे संघ की बात हो चाहे संगठन की बात हो, पार्टी को कहीं ना कहीं देने का ही प्रयास किया, कभी लेने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अब जब मौका है लेने का तो ऐसे में इन्होंने भी जो अपनी दावेदारी जरूर ठोक रखी। बाकी फैसला जो है इनका साफ कहना है कि वो पार्टी पर निर्भर करता है, को अगर हमारे विचार अच्छे लगेंगे तो हमें मौका मिलेगा, अन्यथा पार्टी को जो सही लगता है वो फैसला तो होना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अपनी दावेदारी से पीछे नहीं हट रहे, हम भी जो है अपना जो कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हट रहे, उसकी पालना करेंगे और लगातार जो काम करते रहेंगे, कुलदीप यादव का कहना है। तो जनता को क्या संदेश देंगे अटेली की, जो जनता देख रही है, जनता जनार्दन देख रही है? मैं मेरी पिता तुल्य सारी जनता जनार्दन को और यही संदेश देता हूँ, आप अच्छे से अपनी परिवार को कैसे बढ़े उस पे काम करें, अपने माता पिता का कैसे सम्मान रखें, उनके कैसे संस्कारों को आगे लेके बढ़ें, और शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे उसको ग्रहण करें। शिक्षा जब हम अपने अंदर संजोग के रखेंगे, उसका ज्ञान लेंगे, तो ये क्षेत्र की बातें, ये सब बातें छोटी पड़ जाएंगी। जब शिक्षा हमारे अंदर विराजमान रहेगी, शिक्षा का हमें ज्ञान रहेगा, तो सब नमस्तक रहेंगे, कोई भी हो वो काम करने के लिए मजबूर रहेगा। तो और जनता को मैं यही कहता हूँ, मेरी पिता तुल्य माता पिता, जितने मेरे भाई दोस्त यार मेरे परिचित, जितने भी रिश्तेदार, सबको यही कहता हूँ, आप बढ़िया विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी विश्वास करते हैं, और इसकी नीति नियत एक है, जो नीतियां हैं उनका प्रचार करें प्रसार करें, और आने वाले 2024 विधानसभा चुनाव की भारतीय जनता पार्टी को कैसे विजय हो, कैसे वो हम 2024 में विधानसभा में पहुंचे, उसकी रणनीति करें, उस पर हम सब मिलकर काम करें। कुलदीप यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत आपका। प्रिंस भाई, आप यहाँ अटेली में आए, और आप अटेली में आए नहीं, आप अटेली की आवाज़ को उठाते हैं, आपके सभी फॉलोअर का, सभी व्यूअर का और सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार जी। तुम्हारे साथ खास बातचीत में भाजपा के दावेदार, भाजपा के नेता, युवा चेहरे अटेली हलके से कुलदीप यादव खास बातचीत में थे। सरपंच रह चुके, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान रह चुके, फिलहाल ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा में है, संघ में रहकर काम किया, संगठन में रहकर फिलहाल काम कर रहे हैं, तो ऐसे में इनके विचार स्पष्ट आपके सामने, कहीं ना कहीं अटेली को एक अगले कदम पर लेकर जाना है, जो उसी विजन के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जनता की भी डिमांड रहती कि इस बार युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर बात की जाए अटेली की, तो युवा चेहरा कहीं ना कहीं लोगों के सामने आ चुका है, अब बात जो है बीजेपी पर निर्भर करती है कि बीजेपी मौका देती या फिर नहीं देती, लेकिन जहां तक अटेली की बात है, अटेली हलके में तो चर्चा जरूर है कि हाँ कोई युवा चेहरा इस बार हमारे बीच आया और कहीं ना कहीं इसको मौका मिलना चाहिए। हालांकि अपनी राय क्या है वो भी आप कमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लंबा, मेरे साथ विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24, नमस्कार, जय हिंद।